जिला परिषद भवन व्यूली में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्षा सरला ठाकुर ने की। बैठक में पिछली त्रैमासिक बैठक की छूटी हुए मुद्दे, अतिरिक्त जिला परिषद सदस्यों से लिखित रूप में प्राप्त नई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्षा ने समस्त सदस्यों से आग्रह किया कि वे त्रैमासिक बैठक से पहले अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें, ताकि बैठक के दौरान उन पर चर्चा की जा सके। बैठक में जिला परिषद की समितियों की बैठकों की कार्यवाही पर अनुमोदन भी किया गया तथा वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न पंचायतों से प्राप्त मनरेगा कार्यों व पंचायत क्षेत्र के अन्य कार्यों की सेल्फों का अनुमोदन भी किया गया। जिला परिषद अध्यक्षा ने कहा कि शीघ्र ही राष्ट्रीय सोलर निगम के अंतर्गत जिला परिषद भवन में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए हाउस में जिला परिषद की छत पर रूफ टॉप लगाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त सदस्यों से सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के एक एक गांव का चयन करने का आह्वान भी किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक पुनीत रघु, कार्यकारी उप निदेशक DRDA एवं जिला पंचायत अधिकारी गिरीश सामा, उपाध्यक्ष जिला परिषद पूर्णचंद ठाकुर सहित समस्त जिला परिषद सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।